हेलो व्यूअर्स, वेलकम बैक टू अ न्यू वीडियो। आई होप आप सब ठीक ठाक होंगे। दोस्तों, इस वीडियो में हम एक 3 बेडरूम्स के 3D नक्शे को डिस्कस करेंगे। बहुत ही वेल प्लान्ड और खूबसूरत नक्शा है दोस्तों। इसकी सारी छोटी छोटी एयर रूम्स के अंदर आनी चाहिए, तो उसके लिए हमने यहाँ पर स्ट्रीट वाली साइड पर इस जगह में एक विंडो दी है यहाँ पर, ताकि नेचुरल लाइट और एयर इसके थ्रू आती रहे रूम के अंदर। तो दोस्तों, ये था गेस्ट रूम। अब दोस्तों, घर के अंदर चलते हैं। तो आपको यहाँ पर सामने एक और डोर मिल रहा है, ये वाला दोस्तों। ये भी 3 फीट का डोर होगा घर के अंदर जाने के लिए। तो इससे होते हुए हम घर के अंदर एंटर होते हैं। तो एंटर होते ही दोस्तों, आपको यहाँ पर एक बड़ा सा डाइनिंग हॉल मिल रहा है दोस्तों। इसकी चौड़ाई जो है तकरीबन 16 फीट के करीब है, 17 फीट के, और तकरीबन दोस्तों 8-9 फीट के करीब इसकी लंबाई है दोस्तों। यहाँ पर अपना डाइनिंग टेबल आप इजीली लगा सकते हैं, अपने फैमिली के साथ बैठकर खाना वगैरह खा सकते हैं। एक विंडो दोस्तों बाहर पोर्च की तरफ से यहाँ पर भी है, ताकि डाइनिंग एरिया की तरफ रोशनी वगैरह आती रहे, नेचुरल लाइट आती रहे। साथ ही दोस्तों, हम यहाँ पर देखें तो सेंटर में ये जो आपको डोर मिल रहा है, ये जाली वाला, ये किचन का है। तो इससे हम किचन में एंटर होंगे तो आपको दोस्तों तकरीबन 7 फीट लंबाई और 10 फीट 10 फीट लंबाई और 7 फीट चौड़ाई का किचन मिल रहा है दोस्तों। आप देख सकते हैं कि इस किचन में आपके वॉश बेसन, आपके चूल्हे, अलमारियां वगैरह बहुत इजीली एडजस्ट हो जाएंगे। और किचन में आपने हमेशा एक चीज़ बहुत ध्यान रखना है, एक चीज़ का, कि उसमें वेंटिलेशन अच्छे से हो, यानी कि किचन की जो स्मेल वगैरह होती है या फिर स्मोक होती है, वो बाहर की तरफ एग्जॉस्ट हो, घर के अंदर की तरफ ना है। तो उसके लिए हमने इस नक्शे में यहाँ पर एक OTS दिया, यानी कि इसके ऊपर छत नहीं होगा, स्लैब नहीं होगा, और एक वेंटिलेटर यहाँ पर लग जाएगा, रोशनदान। इसके थ्रू दोस्तों स्मेल और स्मोक बाहर एग्जॉस्ट भी होगी, प्लस नेचुरल लाइट भी आती रहेगी किचन के अंदर दोस्तों। यहाँ से एक डोर भी है OTS की तरफ जाने के लिए, ताकि हम इस OTS को एज आ वॉशिंग एरिया यूज़ कर सकें, यहाँ पर वॉशिंग मशीन रखें और कपड़े वगैरह धोए जा सके। तो किचन से बाहर आते हैं दोस्तों। बाहर आते ही दोस्तों, आपको राइट साइड पर ये जो 2 डोर्स मिल रहे हैं, ये हमारे बेडरूम्स का है। लेफ्ट हैंड साइड डोर से एंटर होते हैं तो दोस्तों, आपको ये जो बेडरूम मिल रहा है, 12 बाय तकरीबन 11 फीट का बेडरूम है। 12 फीट चौड़ाई, 11 फीट इसकी लंबाई है। इसमें आप देख सकते हैं कि आपके सामने इजीली बेड आ जाएगा, आपके कंप्यूटर टेबल्स, आपकी अलमारियाँ वगैरह इजीली एडजस्ट हो जाएंगी। प्लस दोस्तों, वेंटिलेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, आपने हमेशा रूम में नेचुरल लाइट के लिए विंडोज़ वगैरह लगानी है और हवा वगैरह के लिए। तो
इसमें भी हमने यहाँ पर एक विंडो दी है इस जगह में, ताकि इसके थ्रू वेंटिलेशन अच्छे से हो सके पीछे OTS की तरफ से। तो दोस्तों ये बेडरूम 1 था, अब इसे बाहर निकलते हैं तो इसके बिल्कुल साथ आपको बेडरूम 2 मिलेगा यहाँ पर। ये दोस्तों बेडरूम 2 का मास्टर बेडरूम का डोर है, इसमें एंटर होते हैं तो आपको 12.5 फीट चौड़ाई और 11 फीट लंबाई का मास्टर बेडरूम मिलेगा। सामने आपका बेड इजीली एडजस्ट हो जाएगा और इस तरफ अलमारी वगैरह, प्लस दोस्तों आपकी ड्रेसिंग टेबल्स और कंप्यूटर टेबल्स वगैरह भी इस रूम में इजीली एडजस्ट हो जाएंगे। वेंटिलेशन जैसे कि मैंने आपको पहले कहा कि बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इस रूम में भी हम यहाँ पर एक विंडो देंगे एक सेकंड OTS की तरफ से, ताकि नेचुरल लाइट और एयर इस रूम में भी आती रहे। यहाँ पर ये एक OTS है 4x3 फीट का। दोस्तों इसी OTS से यहाँ पर डाइनिंग एरिया की तरफ भी एक विंडो लगा सकते हैं। और दोस्तों इस बेडरूम के बिल्कुल सामने आपको एक और डोर मिलेगा यहाँ पर, ये वाला, और ये डोर दोस्तों थर्ड बेडरूम का है। इसमें एंटर होते हैं तो आपको तकरीबन 10 फीट इसकी लंबाई है बेडरूम की और 11 फीट दोस्तों इसकी चौड़ाई है। इसमें भी आप देख सकते हैं बेड्स की सेटिंग्स वगैरह, कंप्यूटर टेबल, आपके चिल्ड्रंस के लिए ये बेडरूम बहुत ही इजीली यूज़ हो सकता है। स्ट्रीट की तरफ से विंडो भी होगी यहाँ पर, ताकि इसकी भी वेंटिलेशन हो सके, रूम में हवा और रोशनी वगैरह आती रहेगी। तो दोस्तों ये था थर्ड बेडरूम। आप इसके साथ यहाँ पर एक कॉमन टॉयलेट है पूरे घर के लिए यूज़ होने के लिए, ये वाला जो डोर है। और दोस्तों इसकी जो चौड़ाई है 4 फीट है, 7 फीट इसकी लंबाई है। वेंटिलेशन के लिए OTS की तरफ से यहाँ पर एक वेंटिलेटर भी है, ताकि इसके थ्रू जो टॉयलेट की स्मेल वगैरह होती है वो बाहर की तरफ एग्जॉस्ट हो, घर के अंदर की तरफ ना जाए। तो दोस्तों ये था हमारा एक और नक्शा, मैं उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आया होगा। और दोस्तों अगर पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स में ज़रूर बताइए, कोई मिस्टेक नज़र आती है तो वो भी बताएं। दोस्तों मैं आपको किसी नेक्स्ट वीडियो में मिलूँगा, तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। गुड बाय।